ओम त्र्यंबकम् यजामहे सुवन्दिं पुष्टिवर्धनम् पूजारकम् वन्दना मृत्युमोक्षिणाम्बिका। हाँ जी गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय अनदर व्लॉग। फिर से एक नए दिन की शुरुआत। बज गए सुबह के 6:30। आज चलेंगे अपन लाखा मंडल चलेंगे मसूरी जमुना पुल होते हुए, जो कि एक जौनसर बावर में स्थित है देहरादून के। तो वो काफ़ी पुराना प्राचीन मंदिर है लाखा मंडल, तो दिखाएंगे आप। गाइज चेक आउट द व्यू, मंदिर देख सकते हैं आप। बादल थे, अभी बादल गए थे, मैंने एकदम कैमरा निकाल लिया अपना। देख सकते हैं जो कि मंदिर, ये तो अपने यही है मसूरी से थोड़ा आगे। लुक एट दिस, चेक दिस आउट। और यहाँ पे सनशाइन भी होने वाला है। गाइस, मंदिर का नाम है सुंतरा देवी, जैसे कि देख सकते हैं बोर्ड में भी। गाइस देखो कहाँ पहुंच गए हम, कैंपटी से थोड़ा पहले पहुंच गए हैं। और इस पार देख सकते हैं हम गांव, जहाँ की काफी कम घर हैं। ये अपना कैंपटी हॉल। अभी एक भीड़ नहीं है क्योंकि सुबह का टाइम है। चेक दिस आउट, अरे गांव देख सकते हैं आप। फादर साहब, जो मेन कैंपटी फॉल का मजा है वो है ये झरना। तो देख सकते हैं काफी दूर है यहाँ से, अभी पहुंचने हमें अभी इस साइड। तो देख सकते हैं झरना यहाँ से आ रहा है, और देख सकते हैं नीचे जाके पुल में मिक्स हो जाता है अपने। ये देख सकते हैं आप, चेक आउट दिस नेचर। और गाइस ये रहे मम्मी पापा, ये अपने बात कर रहे हैं कैंपटी की। देख सकते हैं आप व्यू, गाड़ी भी आ जा रही है, ये खड़ी है अपनी डमकी। अरे अपने लगे हैं अपने बातों में। एमटी का छोटा सा मार्केट, जो कि एमटी फॉल्स से ऊपर है। एंड दिस इज अ रेस्टोरेंट, और वेजिटेरियन के नाम से रेस्टोरेंट मिल जाएगा। बाजार देख सकते हैं गाइस आप, मुझे आपको और पुल दिखाता हूँ मैं आपको। चेक दिस आउट, ये जमुना पुल है सामने। देख सकते हैं राफ्टिंग वाले भी हैं, राफ्टिंग भी होती है यहाँ पे। एंड सी दिस व्यू, चेक दिस आउट। और ये रास्ता दिख रहा है ऊपर वाला आपको, ये जाता है अपना चकराता की तरफ, यहाँ से ऊपर ये रास्ता चकराता की तरफ। और जो ये रास्ता है ये है अपना लाखा मंडल। आई थिंक यहाँ से 60 किलोमीटर दूर रह गया है। तो आप चलते हैं, आपको मिलते हैं लाखा मंडल में। गाइस लाखा मंडल 5 किलोमीटर रह गया है, पहुंच गया। आपको व्यू दिखाता है एक बार, चेक आउट द व्यू, अमेजिंग। एंड सी द नेचुरल वाटर, चेक आउट।
आज ताऊ जी घास लाते हुए कितने किलोमीटर दूर गए थे ताऊ जी? चार किलोमीटर। खेत देखो प्राचीन पांडव गुफा है, लाखा मंडल पांडव गुफा। इधर मना है वीडियो लेना, अभी तो अंदर नहीं दिखाएंगे हम आपको। ये देखिए तो गाइस यहाँ पे पांडव रुके थे उस सदी में। तो ऐसे प्राचीन गुफा है। सो फाइनली दिस इज द टेम्पल, सी दिस प्राचीन मंदिर एंड कम। सो गाइस हमें जाना है मंदिर जो कि वहां पे, अब मिलते हैं आपको मंदिर में। लकड़ी के घर देख सकते हैं हम गाइस। सी द वुडन होम्स। दिस स्टेप्स गाइस। गाइस देख सकते हैं मंदिर, ये देख सकते हैं आप शिवलिंग प्राचीन है जो देख सकते हैं गाइस। ये ब्राह्मी लिपि में लिखा है गाइस, जो लिखा है ना पूरा स्ट्रक्चर है, आज तक इसे पढ़ नहीं पाया कोई। और नीचे मंदिर टाइप बने हैं एंड सी प्राचीन लाखा मंडल। अरे उसी टाइम के जब यहाँ पे गाइस छुपे थे पांडव। ये प्राचीन शिव मंदिर है गाइस, शिवलिंग मतलब नमो शिवाय। जो उनके टाइम का ही है देख सकते हैं आप, जो भी खुदाई के दौरान कुछ टाइम पहले मिला था। सामने गौ माता, एक जमुना नदी पार से एक महाराजा की अति है, मन की इच्छा पूरी होती है, जन्म जन्म के पार सारे खंडित होते हैं, आप लोगों की यात्रा इस भोले बाबा के दरबार से सफल होती है। जिन्होंने लाखा मंडल भोले बाबा के दर्शन करने हैं उनके जन्म जन्म के पाप सारे खंडित होते हैं। ये मंदिर ऊपर से बनाया गया, नीचे को हथेली के ऊपर ने इस मंदिर का निर्माण किया, भीमसेन के हथेली पे बनाया गया। आप लोग आगे बढ़ो। ये धन्य पांडवों को जलाने के लिए लाखा महल बनाया। आगे बढ़ो जी, अब पट्टी में आ जाओ। ये धन्य पांडवों को जलाने के लिए लाखा महल बनाया, लक्ष्यगढ़ है वो, ये जगह है साहब। यहाँ पे चारों तरफ लाल ईट है, ये देखो आपको लाल ईट दिख रही है ना, इस ईट के नीचे आज भी लाख है। यहाँ पे महल था, महल पे दुर्योधन ने आग लगा दी, महल जल गया। यहाँ से अंदर ग्राउंड सुरंग है, ये सुरंग विदुर ने बनाई। विदुर की लेबर कौन थी? विदुर तो इंजीनियर था, जैसे आप मैनेजर थे वैसे वो विदुर इंजीनियर था। उनकी लेबर जो है चूहा थे, चूहों ने यहाँ से सुरंग बनाई, विदुर ने नक्शा बनाया। आते समय गुरुजी आपको नीचे सड़क पे ये गुफा मिली है, पांडवों को पांडव लोगों को विदुर ने यहाँ से उस गुफा से बाहर निकाला। उसके अंदर जाएंगे आप, जमुना जी बह रही है। पांचों भाई पांडव लोग जमुना जी में पर भी स्नान करने जाते थे, स्नान करके शिव के मंदिर में पूजा करते थे।
हमारी विजय महाभारत में होनी चाहिए। उसके अंदर तीसरी सुरंग है वो आपके कुरुक्षेत्र में निकलती, हरियाणा में पंजाब, जहाँ पे महाभारत की लड़ाई शुरू हुई है। उसके अंदर चौथी सुरंग है वो आपके केदारनाथ बद्रीनाथ निकलती है, जहाँ से पांडव लोग स्वर्ग लगनी गए। ये मूर्ति कौन सी है? राजा दक्ष ने यज्ञ किया था, उन्होंने तमाम दुनिया के लोगों को सबको अपने यज्ञ में बुलाया और अपने बेटी जवाई को नहीं बुलाया। उनकी बेटी जवाई कौन थी? बेटी भगवान शिव और सती। धन्यवाद। देखो आपकी जीविया में सरस्वती माँ का वास, लक्ष्मी पुत्री है। सती माँ ने बोला अपने पति के लिए, पति देव मेरे मायके में आपके ससुराल में यज्ञ हो रहा है आपके लिए। भगवान ने उनको जवाब दिया, देवी हमारे लिए कोई चिट्ठी नहीं, कोई निमंत्रण नहीं, कोई बुलाव नहीं। हम लोग वहाँ जाएंगे, वहाँ पे हमारा अपमान होगा। सती माँ ने अपनी पति की बात नहीं मानी, उनकी आपस में लड़ाई झगड़ा हो गया। आपका भी होता है लड़ाई झगड़ा। तो बेटी ये परंपरा से चल के आया है। सती माँ ने अपने पति की बात नहीं मानी। सतयुग में इनका रूप है वीर और भद्र, जो शादीशुदा देवी है। बहन जी आप लोग, आपका रूप है सतयुग में सती माँ का। आया त्रेता युग में इनका रूप है जय और विजय, आपका रूप है दुर्गा माँ का। फिर द्वापर आया, द्वापर में इनका रूप है द्वार और पार, आपका रूप है पार्वती माँ का। अब ये कलयुग है, कलयुग में जैसे आपके भोले बाबा आपके साथ हैं बेटी, वैसे ये पार्वती माँ के भोले बाबा हैं। इनका हीरे मोती का मुकुट है, ध्यान से देखो आप। और ये राक्षस है, इसके खोपड़ी के ऊपर मुंडी है, ये मस्तान का निशान है। आपका रूप है गौरा माँ का। तो चार रूप आपके भी हैं बहन जी, और चार रूप इनके भी हैं। ये शिवलिंग धर्मराज विश्वकर्म महाराज ने ये शिवलिंग की स्थापना करी है। इस शिवलिंग का नाम है मंडलेश्वर महादेव के नाम से। हमारे लाखा मंडल के अंतर्गत में 24 गांव आते हैं। 24 गांव के बीच में जिनकी मृत्यु होती थी उनकी डेड बॉडी यहाँ लाते थे। पुजारी अपने घर से गंगा यमुना जल लेके आते थे, मंत्र द्वारा उस पे जल का छेड़ा मारा, मरा हुआ आदमी जीवित होता था। ब्राह्मण देवता उसको अपने हाथों से दूध बात खिलाता था। ये शक्ति थी बेटी, यहाँ जब यहाँ पे डेड बॉडी लाते थे तो जीवित होता। अब मैं तुम्हारा बेटा एक फोटो लेना चाहता हूँ। है हमारे पहाड़ों में इसको चौबट्टा कहते हैं, यहाँ पे चार रास्ते हैं। शहर में इसको चौराही कहते हैं, चौराही चौराया। ये रास्ते की काली माता है जी, और ये प्रचंड माता है बेटा, थोड़ा शोर नहीं करना। चलो चलो तुम। ये रस्ते की काली माँ है, माता जी को नमन करो। जय रस्ते की काली माँ, हमारी यात्रा सफल करो। इस माँ के दर्शन करने से आप लोगों की यात्रा सफल होती है महाराज। इस माँ की इतनी बड़ी शक्ति है। सो गाइस, पंडित जी ने पूरी हिस्ट्री बताई कैसे कैसे हुआ। यहाँ पे 33 लाख देवी देवताओं का वास है और कई करोड़ शिवलिंग है यहाँ पे, जैसे कि दिखाया था मैंने आपको वीडियो में। और ये अपना लाखा मंडल का मंदिर। गाइस अभी दर्शन हो गए अपने, और यहीं हमारे मंदिर से ऊपर रिलेटिव्स का घर देख सकते हैं आप। पहाड़ों का रास्ता आपको बताइए होगा। अब चलते हैं ऊपर की तरफ। मुंड का मेला गाइस, ये लोग मच्छी मार रहे हैं सुबह से। क्राउड भी देख सकते हैं इन लोगों का, जैसे गांव वालों का सीधे क्राउड ये देख सकते हैं। अब तो शाम हो गई, अब तो काफी लोग चले भी गए हैं। गाइस ये पहाड़ का प्रसिद्ध त्योहार है मुंड का मेला, ये साल में एक बार आता है और ये बहुत धूमधाम से मनाया जाता है।
जिस प्रकार से देख सकते हैं आप ऊपर कितने लोग खड़े हैं और नीचे देख सकते हैं आप जाल लेके जा रहे हैं अभी भी तो देख सकते हैं भीड़। इसे बोलते हैं गाइस मौन का मेला। सो गाइस मसूरी में इतना ज्यादा रश है, मैं 2 से 3 घंटे हो गए हैं ट्रैफिक में देख सकते हैं, जैसा कि आप बहुत ही ज्यादा ट्रैफिक है, 3 घंटे से हम ट्रैफिक में खड़े हैं। मतलब जितने टूरिज्म है जितना टूरिस्ट है सब यहीं पे, इतना जाम था गाइस 3 घंटे हो गए अभी तक दो जाम से, देख सकते हैं आप ट्रैफिक लगे जा रहा है। और ये काफी लंबा ट्रैफिक है, काफी ज्यादा रश है यहाँ पे। रात के 9 बजने वाले हैं गाइस और हम 6:30 बजे से ट्रैफिक में फंसे हैं गाइस। रश देख सकते हैं आप, मेन मसूरी है ये। आई डोंट रिकमेंड गाइस यू विल कम मसूरी सैटरडे संडे बिकॉज आप देख सकते हैं 12 बजने वाले और गाड़ियों की लाइन देख सकते हैं अभी तक आ रही है गाड़ियाँ। गाड़ी तो वही करीबन 3-4 किलोमीटर पीछे होगी, हम तो पैदल आ गए हैं। तो भाई आई डोंट रिकमेंड इट, मत आना सैटरडे संडे वीकेंड तो बिल्कुल मत आना, टूरिज्म भरा पड़ा है सारा मसूरी में। हाँ जी दोस्तों, फिर से नए दिन की शुरुआत, रात को थोड़ा लेट हो गए थे, लेट पहुँचे थे तो सब आ गए ना सो गए थे, तो अब उठे हैं। यहाँ तक अगर ब्लॉग देखा तो लाइक करे बिना मत जाना, कमेंट्स में बताना क्या अच्छा लगा क्या नहीं अच्छा लगा। तब तक के लिए बाय।